कुछ दर्द ऐसे होते हैं, कुछ चोट ऐसे होते हैं जो हमारे फिजिकल पार्ट में लगे होते हैं। इनको देखा भी जा सकता है और दिखाया भी जा सकता है। समय के साथ मरहम पट्टी करने के बाद ये धीरे धीरे ठीक भी हो जाएंगे। अब ना आप देख पाएंगे कि कहां पे चोट लगी थी, ना कोई दूसरे इसको नजर लगा पाएंगे। ये दर्द की दवाएं हैं और इनको आसानी से हम ठीक भी कर सकते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे भी दर्द हैं, ऐसे भी चोट, ऐसे भी घाव हैं जो फिजिकल के साथ साथ आपके मेंटल और दिल पे भी लगते हैं, जो समय के साथ साथ घटने की बजाय बढ़ते ही जाते हैं और इस दर्द को बढ़ाने का काम करते हैं जाने अनजाने में। हम जैसे कई लोग, हम जैसे कई सोशल एनिमल्स, हम तो एनिमल ही हैं। ये जो दर्द है वो बेसिकली आपके उन चीजों की वजह से मिलता है जिन पे आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है, यानी कि उन चीजों की सजा आपको दर्द के रूप में, तानों के रूप में मिल रही है जिन पे आपका कोई अधिकार नहीं, जिनकी वजह आप खुद नहीं है, आपकी वजह से वो नहीं हुआ है, लेकिन सजा तो आपको ही मिलती है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम जिस नए टॉपिक, नए यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं वो है आपका एंटी लेप्रोटिक ड्रग, और इसके बारे में हम बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन। लेकिन एक पहली बात और इंपॉर्टेंट बात इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कि हमको इस टॉपिक के इंपॉर्टेंस को, महत्व को समझना है। ये फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल जितना दर्द है, जिस तकलीफ है, उससे ज्यादा इमोशनली, साइकोलॉजिकली ये प्रॉब्लम है। तभी तो कई जगह इसके बारे में साफ लिखा गया है कि आपके मेडिसिन तो इसको ठीक कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं बढ़ने से, लेकिन कुछ भी मेडिसिन ऐसा नहीं है जो इनकी तकलीफ को आपके मन से, दिल से बाहर निकाल सके। अक्सर पहले जमाने की अगर हम बात करें तो इस लेप्रोसी को, जो हम लोग साधारण भाषा में कुष्ठ की बीमारी कहते हैं, इसको पिछले जन्म की पाप की संज्ञा देकर के लोगों को परेशान किया जाता था। छूत की बीमारी मानी जाती थी, उनको हीन भावनाओं से देखा जाता था और बार बार उनको इस तरह के कोढ़ी या अदर अलग अनसुटेबल, अनफेवरेबल, हर्टिंग वर्ड से डिनोट किया जाता था। अब उसमें उस आदमी की गलती क्या है जिसको इस तरह की प्रॉब्लम है? उसने जानबूझकर तो इन्फेक्शन को इनवाइट नहीं किया। अब अगर हो गया है तो उसमें उसको सपोर्ट करने के बजाय हम जैसे कई पढ़े लिखे लोग भी इस तरह की बातों को माइंड करते हुए उनको अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, उनसे एक अनवांटेड, अनइथिकल डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, जो कि किसी भी तरीके से सही नहीं है। ड्रग देकर के, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के साथ एंटी लेप्रोटिक ड्रग मिला करके हम उनकी प्रोग्रेशन को तो रोक सकते हैं, उनको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, लेकिन उनके जो शरीर पे मार्क्स, निशान पहले से रह गए हैं ड्रग की वजह से, इनको ठीक करना पॉसिबल नहीं है। और उससे भी ज्यादा जो उनकी चोट लगी है आपके, हमारे सबके तानों की वजह से, इनको भी ठीक करना पॉसिबल है ही नहीं। जरूरत इस बात की है, आज के टॉपिक के रिक्वेस्ट में आपका दो मिनट लेते हुए रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे किसी भी तरह के प्रॉब्लम को फेस कर रहे वाले पेशेंट से, पर्सन से, हमें सिंपैथी के साथ साथ उनके साथ एक इक्वेलिटी की भावना को दिखाना चाहिए। अगर हम उनकी मदद नहीं कर सकते हैं तो इस तरह के चीजों को, उनको परेशान करते हुए उनकी बुराइयां, उनको ताने भी नहीं देना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं लेप्रोसी की, इसको हम लोग बोलते हैं कुष्ठ। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें व्यक्ति की आंखों के पास, स्किन में, आपके म्यूकोशल मेम्ब्रेन में, नर्व में इस तरह की प्रॉब्लम होने लगती है कि जिनसे उनका अट्रैक्शन, उनकी ब्यूटी, उनका चार्म भी जाने लगता है और धीरे धीरे उनकी बॉडी में इस तरह के जो प्रॉब्लम वो बढ़ते जाते हैं। ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन सी बात थी, हमारे इंडिया में भी काफी सारे पेशेंट इस तरह के हैं जो ट्यूबरक्लोसिस या लेप्री की प्रॉब्लम से मैच करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस और लेप्री दोनों को साथ में बोलने का मतलब ये है क्योंकि इनके पीछे का जो मेन प्रॉब्लमेटिक रीजन है वो एक ही स्पीसीज का है। ट्यूबरक्लोसिस का कारण था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और इस लेप्रोसी का कारण है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो दोनों की जो मेन स्पीसीज है कॉप करने की एक जैसा ही है। इनके जो ड्रग हैं वो कुछ कुछ मैच भी करते हैं, जो एंटी ट्यूबरक्लोसिस में यूज करेंगे वो आज हम इसमें भी देखेंगे एंटी लेप्रोटिक ड्रग में। अंतर दोनों में बस इतना है कि ट्यूबरक्लोसिस आपके पल्मोनरी को प्रॉब्लम कर रहा था, बढ़ने के साथ साथ वो बॉडी के दूसरे पार्ट में भी मूव कर रहे थे, लेकिन आज के जो लेप्रोटिक ड्रग हैं वो उस लेप्रोसी को, प्रॉब्लम को ठीक करेंगे जो कि आपके स्किन में, आई लैशेस में, आपके म्यूकोशल मेम्ब्रेन में, नर्व तक पहुंच चुके हैं, इनको खत्म करेगा। लेप्रोसी के बारे में पहचानना बड़ा आसान है, वो आपकी बॉडी में कहीं कहीं थोड़े बड़े चकत्ते दिखने लगेंगे, गोल गोल सोर जैसा स्ट्रक्चर दिखने लगेगा, लेजन आपको देखने को मिलेंगे। अगर उन पे आप किसी नीडल से या शार्प ऑब्जेक्ट से हल्का सा उनको पिंच भी करते हैं, पेनिट्रेट भी करेंगे, तो उनको इसका सेंसेशन नहीं होगा क्योंकि वहां पे जो पेरिफेरल नर्व है वो धीरे धीरे या तो उनकी डेथ हो रही है, वो थिक होते जा रहे हैं, इसकी वजह से उनकी जो सेंसिटिविटी है वो लॉस हो रही है। एक पहला और इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन का तरीका है। दूसरा, उनकी बॉडी में कुछ ऐसे गोल गोल, मोटे मोटे, उभरे उभरे मार्क्स भी देखने लगेंगे जो आप अक्सर
किसी न किसी टीवी में एड के प्रोग्राम के रूप में देखते होंगे, गूगल में सर्च करेंगे तो भी आपकी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑफिशियली इस टॉपिक के बारे में कुछ जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट जानकारियों को। सबसे पहले मैं बात करूं कि लेप्रोसी किसके द्वारा कॉज होता है, तो मैंने आपको डिस्कस भी किया कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को जैसे माइकोबैक्टीरियम कॉज करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का स्पीसीज है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री यानी कि माइकोबैक्टीरियम, जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं ये माइकोबैक्टीरियम है, तो इनमें माइकोलिक एसिड का भी कंटेंट कहीं ना कहीं होगा, यह आपको पिछले वीडियो से रिकॉल करने की आवश्यकता है। सो दिस इज अ बैक्टीरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजेस ऑफ लेप्रोसी। इसके साथ अगर हम बात करें तो ये जो बैक्टीरिया है वो रॉड शेप में होता है, आप जानते हैं बेसिलिक स्टैंड मतलब ही यही है कि रॉड शेप में होगा, रॉड के आकार का होगा। दूसरा, ये जो बैक्टीरिया है वो बेसिकली एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। अब एक वर्ड और आएगा आगे जा करके, लेकिन मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर दूं, एसिड फास्ट बैक्टीरिया कहने का क्या मतलब है, ये एक ऐसे बैक्टीरिया है जो कि उनको उनके स्टेनिंग के एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के हिसाब से अलग अलग नाम दिया गया है। एक सिंपल स्टेनिंग होता है, एक ग्राम स्टेनिंग होता है जिसमें हमने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के बारे में बात किया, वैसा ही एक और स्टेनिंग है जिसको हम बोलते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग। ये एक ऐसा स्टेनिंग टेक्निक है जिसमें हम किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म को दिए गए सैंपल को स्टेन करते हैं, वॉश आउट करने के बाद वो कलर रिटेन करेगा तो वो आपका ग्राम पॉजिटिव होगा, नहीं करेगा तो रिटेन करेगा। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो आपके नॉर्मल डीकलराइजिंग एजेंट एथेनॉल से वॉश आउट नहीं होते, तो ऐसे केस में हम एथेनॉल यानी कि एल्कोहल और एसिड को एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन में मिक्स करके इनको वॉश आउट करते हैं। इनके द्वारा एथेनॉल और आपके एसिड इन दोनों के प्रॉपर मिक्सचर से भी वॉश आउट करने के बाद अगर ये अपने रिटेन किए हुए लगभग रेड कलर को रिटेन करके रखें, वॉश आउट ना करें, तो ऐसे ही बैक्टीरिया को हम कहते हैं आपका एसिड फास्ट बैक्टीरिया। इनमें फैटी एसिड वैक्स का अमाउंट थोड़ा ज्यादा होता है। सो दिस आर द क्रॉनिक इन्फेक्शन डिजीज विच में अफेक्ट स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन एंड नर्व। ये जो डिजीज है वो प्रोग्रेसिवली है सकते हैं, ये एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा पार्ट ऑफ बॉडी को लेजन कॉज करा सकते हैं, एक ही बॉडी मूव कर सकते हैं, और कुछ हद तक ये एक पर्सन दूसरे पर्सन तक भी फैल सकते हैं अगर बहुत ही ज्यादा क्लोज कॉन्टेक्ट आए तो। यूं तो इस ड्रग के इस डिजीज को ठीक करना आसान है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा डिजीज के होने के बाद जो उनके मार्क्स बच जाएंगे, उनकी जो निशानी रह जाएगी, इसको पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। आगे बात करते हैं कि ये जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री था या लेप्रोसी की जो प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया था, इसको किन्होंने डिस्कवर किया था। सो दिस वाज डिस्कवर्ड बाय हैंसन इन 1873, दैट वाज अ लेप्रा बैसिलस, और इसी कारण से इस जो प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस की कारण है बैक्टीरिया, इनको हम हैंसन डिजीज भी कहते हैं इस लेप्रोसी को, बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय सर हैंसन इन 1873। So again, अगर does not grow on artificial medium, इसका क्या मतलब है, ये भी बहुत जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी नॉर्मल बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं तो उनको हम किसी दूसरे आर्टिफिशियल मीडियम, चाहे वो सॉलिड मीडियम हो लिक्विड मीडियम हो, सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंगली उनके मीडिया के कंपोजिशन के अकॉर्डिंगली ग्रोथ करा सकते हैं। आर्टिफिशियल मीडियम यानी कि आपके लैब में इनको हम आसानी से ग्रोथ करा सकते हैं, लेकिन माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसको हम आर्टिफिशियल मीडियम में कल्चर मीडियम में ग्रोथ नहीं करा सकते, ये पहले की बात थी, इसलिए हमने यहाँ पे हैज मार्क लगाया हुआ है। बट नाउ दिस कैन बी कल्चर्ड, इसी को यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है। Now, Mycobacterium leprae of human beings can be growth in a culture medium, but not in artificial. It is in rat paw pad. जो rat है, जो mice है, उनके paw के pad में इनको हम growth करा सकते हैं. That is why it is written as human leprosy bacillus from nasal washing and skin biopsy. इनको सैंपलिंग कहां से किया जाएगा, जो नेजल वॉशिंग है, जो नेजल रूट को क्लीन करने के बाद उनको हम इनोकुलेट करेंगे उससे, या स्किन की बायोप्सी को लेकर के हम इनको कल्चर्ड कर सकते हैं इन फूड पैड ऑफ माइस। जैसा कि मैंने आपको कहा ये कोई आर्टिफिशियल अगार मीडियम नहीं है, ये एक लिविंग होस्ट है, इसके अंदर हम इस तरह को यूज कर रहे हैं, और इट कैन बी ट्रांसफर टू आर्माडिलो जो एक प्रकार के स्पीसीज हैं, इनमें इनको हम ट्रांसफर करके कल्चर करा सकते हैं। ये एक लेटेस्ट जानकारी है जिसका जो सोर्स ऑफ रेफरेंस है वो है सतोषकर की बुक। आज का रेफरेंस का मैक्सिमम पार्ट हमने इसी सतोषकर, के डी त्रिपाठी, पद्मजा उदय कुमार और पी जगदीप साथ को मिलाकर के लिया है। आगे हम बात करें तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लेते हैं। दीज आर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर एसिड फास्ट बैसिली, यानी कि ये भी एरोबिक कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं, ये स्पेसिफिक इंट्रासेल्युलर पार्ट में पाए जाएंगे, जैसे हमने डिस्कस किया था ये आपके मैक्रोफेज के सेल के अंदर भी पाए जा सकते हैं। और एसिड फास्ट के बारे में तो हमने आपको बताया कि कौन से कलर को रिटेन या कौन से कलर को वॉश आउट करने के अकॉर्डिंगली किस
वॉशिंग एजेंट से वॉश होने के बाद भी अपने रेड कलर को रिटेन करने के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली इनको एसिड फास्ट बेसिली बोला गया है। अगर मैं बात करूं इनके यूज, इनको ठीक करने वाले ड्रग के बारे में बात करें, तो इंडिया में एक ऐसा ऑयल था वेटॉइल ऑयल, जिनको यूज करके एज अ स्मेमी एंटी लेप्रोटिक ड्रग के रूप में यूज किया जाता था। यह ड्रग कौन सा है, इसको हम बोलते हैं चौल मोगरा ऑयल, जो इंडिया में काफी ज्यादा यूज किया करते थे। यह एक वीक एंटी लेप्रोटिक ड्रग है। इसके बारे में जानकारियां ये कहती हैं केडी थ्री पार्टी के अकॉर्डिंगली कि इनको स्किन पे अप्लाई करके हम इनके लेजन को, इनके प्रोग्रेशन को कुछ हद तक कम कर सकते थे। बट जब से डैप्सोन आया है वो एक मेजर लीडिंग ड्रग के रूप में यूज किया जाता है, ये एक एंकर ड्रग के रूप में यूज किया जाता है, ताकि इसकी प्रॉब्लम को अपन काफी हद तक अच्छे मैनर में कंट्रोल कर सकें, रोक सकें। अगर हम बात करते हैं इस हैज मार्क की, तो हमने आपको डिनोट किया, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि नाउ डेज इट कैन बी कल्चर्ड इन टू फूड पैड ऑफ माइस। अगर हम बात करते हैं इनके टाइप्स की, तो ये आपको केडी त्रिपाठी में नहीं मिलेगा। ये जो टाइप्स है इसके लिए आपको सतोस्कर की बुक देखनी होगी, तो हमने इसका रेफरेंस भी सतोस्कर से लिया हुआ है। बेसिकली इनको अलग अलग बुक में, अलग अलग रिसोर्स में, अलग अलग टाइप से क्लासिफाई किया गया है, बट मेजर रेफरेंस के अकॉर्डिंगली हमने इनको चार टाइप के क्लासिफिकेशन को अडॉप्ट किया। ये चार क्लासिफिकेशन में से पहला है लेप्रोमेटस लेप्री, लेप्रोमेटस लेप्री को हम डिनोट करते हैं एब्रीवेशन LL से। दूसरा जो टाइप होता है ट्यूबरक्यूलोइडल लेप्री, यानी कि इसको हम TL से डिनोट करते हैं। तीसरा होता है आपका इनडर्मिनेट लेप्री, IL से डिनोट करेंगे एब्रीवेटेड फॉर्म में। चौथा और इंपॉर्टेंट होता है आपका डाइमॉर्फिक, या इसको हम बॉर्डर लाइन, या इसको हम BL लेप्रोसी कह सकते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है अलग अलग टाइप की, वो किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, ये एक मेजर क्वेश्चन है आपके MCQs का। इसमें भी आपकी किसने डिस्कवरी की, कब डिस्कवरी, एक मेजर क्वेश्चन हो सकता है। इनके स्टैंडिंग के हिसाब से कौन से तरह के बैक्टीरिया है, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन है उनका बेस क्या है, ये जो क्लासिफिकेशन चार टाइप है वो इस बात पर डिपेंड करते हैं, इस बात पर डिटरमाइन करते हैं कि वो आपके CMI का कितना इनिशिएशन करते हैं। ये CMI मतलब होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या इम्यूनोलॉजिकल कंसिडरेशन। इसके हिसाब से हम इसको होस्ट में, जहां जहां पे आपका ये लेप्रा का बैसिलस आएगा, उसके रिस्पांस के अकॉर्डिंगली हम इनको क्लासिफाई करते हैं। यानी कि कैसे आपके इम्यून सिस्टम को, कैसे आपके सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को ये ट्रिगरिंग करेंगे, ये जो बैसिला है, ये जो बैसिली है, इनके अकॉर्डिंगली। अगर हम शॉर्ट में बात करें कि इनके टाइप का मतलब क्या है, कैसे समझा जाए कि ये टाइप क्या है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेप्रोमेटस से। लेप्रोमेटस टाइप ऑफ लेप्री कहने का मतलब एक प्रकार से है जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज लो, इसके पीछे जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो कम है। दूसरा, लेजन प्रोग्रेशन इज रैपिडली, जिस भी बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट में लेजन हुआ होगा, जिसकी पर्टिकुलर पार्ट में कोई सोर डेवलप हुए होंगे, वो आपके जो मूवमेंट था उस सोर का अलग अलग पार्ट में, वो थोड़ा रैपिड होगा। और हमने आपको बताया कि ये व्हाइट हो सकते हैं, थोड़े रेड रेड मार्क सर्कल लिए हो सकते हैं, ये थोड़े इबोज यानी कि थोड़े उभरे हुए हो सकते हैं, और इनमें अगर आप किसी पेन से, पेंसिल से, पिन से या किसी शार्प ऑब्जेक्ट से हल्का सा इनमें पुश भी करेंगे, तो इनमें आपको दर्द का एहसास यानी कि पेन का सेंसेशन नहीं के बराबर होगा। लगभग 70% पेशेंट में इस तरह का सेंसेशन का लॉस होगा। ये एक सिंपल सा लेकिन इंपॉर्टेंट सा आइडेंटिफिकेशन फिनोमिना है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक की, तो देखिए नर्व्स आर अफेक्टेड रेट अफेक्टेड लेट इन डिजीज। जो नर्व है, पेरिफेरल नर्व है, वो डिजीज के आगे बढ़ने के साथ साथ अफेक्ट होना शुरू होते जाते हैं। अगर मैं बात करता हूं ये कौन कौन से बॉडी के पार्ट को अफेक्ट करेंगे, अगर हम इस तरह की लेप्रोमेटस लेप्री की बात करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दे मे अफेक्ट फेस, आपके चेहरे पे अफेक्ट कर सकते हैं। आप गूगल में इमेज सर्च करेंगे लेप्रोसी की, आपको काफी सारी जानकारियां मिल जाएंगी। फेस को अफेक्ट कर सकते हैं, नोज को अफेक्ट कर सकते हैं, ईयर को, आई को, और लिम्फ ग्लैंड को भी ये अफेक्ट कर सकते हैं। दीज आर मेजर क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन एग्जाम कि आपके लेप्रोमेटस लेप्री कहां कहां पे अफेक्ट कर सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं तो ट्यूबरकुलोइड लेप्री है, जैसा आप जानते हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, तो उसी से कुछ ना कुछ मैच करते हुए हैं। ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो बहुत कम होते हैं, और कम होने के साथ इनका जो प्रोग्रेशन है वो भी स्लो होता है। लेजन इज लार्ज, जो लेजन होगा, जो आपका सोर डेवलपमेंट होगा स्किन में या किसी और पर्टिकुलर पार्ट में, वो थोड़े बड़े साइज के होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं तो ये फ्लैट होंगे, चकत्ते जो बनेंगे वो फ्लैट बनते हैं, हेयर का वहां पे मूव रिमूवल हो जाएगा, हेयरलेस रहेंगे वहां पे, और दे मे कॉज हाइपोपिगमेंटेशन या हाइपोपिगमेंटेड, मतलब
जिस भी बॉडी के पार्ट में ये चीज हो रही होंगी, वहां पे बॉडी के पार्ट का जो पिगमेंटेशन है, कलर है स्किन का, वो डाउन होता जाएगा, डल होता जाएगा, सफेद सफेद मार्क्स आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद है स्किन रेड हो सकता है, रेड के साथ साथ उनके अगल बगल जो राउंड शेप बनेंगे उसमें मार्जिन देखने को मिल सकता है। डिमिनिश स्किन सेंसेशन भी हो सकता है, यानी कि आपके उस पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट में सेंसेशन जो मैं कह रहा था पिन को चुभने के बाद, वो भी लॉस हो सकता है। यहाँ पे हैज मार्क लगाया हुआ है, इसका रिस्पॉन्स का मतलब भी यही है कि अबाउट 70% पॉपुलेशन में जिनको इस तरह के लेप्रोटिक की प्रॉब्लम हुई है, इनमें स्किन के अंदर से नर्व के डेड हो जाने की वजह से सेंसेशन खत्म हो जाता है या बहुत कम रह जाता है। फिर हम बात करते हैं तीसरे टाइप की, इंटरमिटेंट। ये जो आपका टाइप है उसका मतलब यह है कि इसके बारे में स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम विजुअलाइज नहीं कर सकते, एक प्रकार से फेक सिम्टम्स नजर आते हैं। ये क्या कहता है, दीज आर कंफ्यूजिंग फॉर्म, मतलब आप ये श्योर नहीं कह पाएंगे कि कौन से फॉर्म का है, ये जो वेरिएबल है वो इसमें होते रहते हैं। दे अर्ली स्टेज पे ये आपके लेस लेशन होते हैं, लेकिन इनके जो क्लू होते हैं या इनका जो एक प्रकार से कहना चाहिए कि इनके इंडिकेशंस हैं, सिम्टम्स हैं, वो बिल्कुल नहीं के बराबर होते हैं। दैट इज वाई इनको हमने कहा गया छिपा हुआ, लुकाया हुआ, इस तरह के सिम्टम आप समझ सकते हैं। उसके बाद जो चौथा है वह है डाइमॉर्फिक फेज, या इसको हम बॉर्डर लाइन भी कह सकते हैं। डाइमॉर्फिक मतलब जिसके पास दो अधिक फॉर्म हो, यानी कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ लेप्रोसी जो दो फॉर्म में देखने को मिलता हो, इंटरचेंजेबल फॉर्म में देखने को मिलता हो। ये क्या कहता है, ये कहता है दीज आर अनस्टेबल इन लो इम्यूनिटी, दे मे बिकम लेप्रोमेटस लेप्री। इसका मतलब क्या है, ये बहुत कम मात्रा में आपको समझ में आएगा क्योंकि अनस्टेबल होते हैं। अगर किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम वीक होता है, जैसा कि ट्यूबरकुलोसिस के केस में आपने देखा, ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं और इसके बाद ये लेप्रोमेटस यानी कि जो फर्स्ट टाइप ऑफ लेप्रोसी था इसमें भी कन्वर्ट हो सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज रिटन एज अ डाइमॉर्फिक लेप्रोसी। तो ये था पहला स्लाइड आज के टॉपिक का, जिसमें हमने बात किया एक जनरल इंट्रोडक्शन। चलिए अब हम एंटी लेप्रोटिक ड्रग का जो क्लासिफिकेशन है बहुत छोटा सा है, वो क्लासिफिकेशन को बस हम देख लेते हैं सेकंड वाले व्हाइट बोर्ड सेक्शन में। इनका जो क्लासिफिकेशन है एंटी लेप्रोटिक ड्रग का बड़ा सिंपल और बहुत छोटा सा है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। तो देखते हैं कौन कौन से मेन क्लास हैं और इनके रेस्पेक्टिव एग्जांपल कौन कौन से हैं। सिर्फ चार मेन क्लास हैं। पहला है सल्फोन, दूसरा है आपका फेनाजीन डेरिवेटिव, तीसरा है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग और चौथा है आपका अदर टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स। इनमें से दो तो हमने देखा ही हुआ है पहले से, एंटीबायोटिक की पूरी क्लासेस आपने अटेंड की, रिफाम्पिसिन के साथ साथ जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है आपका इथियोनामाइड, ये भी आपने कंप्लीटली देखा। तो हमको सिर्फ दो ही क्लास को मेन रूप से फोकस करना है। सल्फोन का जो सबसे इंपॉर्टेंट लीडिंग एग्जाम्पल है वह आपका डैप्सोन, दूसरा फेनाजीन डेरिवेटिव का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपका क्लोफाजिमिन, और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में सारी ड्रग तो नहीं बट कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग जो यूज होते हैं, जैसा मैंने आपको कहा रिफाम्पिन, इसी को रिफाम्पिसिन बोलिए, या इथियोनामाइड एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एंटी ड्रग, एंटी माइक्रोबियल ड्रग जो हमने बात किया, अदर टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स, इसमें से हम किनको किनको यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ओफ्लॉक्सासिन को, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन को, मीनोसाइक्लिन को और फिर आपका क्लेरिथ्रोमाइसिन का। तो ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन था। तो ये हुआ सिंपल क्लासिफिकेशन के साथ साथ उनके इंपॉर्टेंट ड्रग का। अब अगले पार्ट से हम बात करना शुरू करेंगे इन्हीं क्लासिफिकेशन में से एक एक इंपॉर्टेंट ड्रग का, जिसके बारे में हमने अब तक बात नहीं किया था। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मैं रेफरेंस के बारे में बात करूं तो मैंने आपसे कहा कि आज का जो मेजर रेफरेंस है वह सतोषकर, केडी त्रिपाठी, पद्मजा उदय कुमार और पी जगदीश प्रसाद। इसी के साथ थैंक यू अगेन, नमस्कार।